से होगा कि जब पवन भू पंजना को 12 साल का दोहाग देकर चले जाते हैं, 12 साल बीत गए, एक रात की बात, पवन भूप अपने मंत्री के साथ पे पहरे पर थे और जिस पेड़ के नीचे पवन भूप आराम कर रहे थे उस पेड़ पर चकवा और चकवी बैठे हुए थे। दिन में तो उन चकवा चकवी को दिखाई देता है लेकिन रात के वक्त उन चकवा और चकवी को दिखाई नहीं देता। जोर जोर से शोर मचाने लगे। पवन भूप पूछने लगे मंत्री, अरे ये पक्षी शोर क्यों मचा रहे हैं? तो मंत्री कहता है कि महाराज ये चकवा और चकवी हैं, ये एक दूसरे से दिन में तो मिले थे, दिन में तो एक दूसरे को देख पाते हैं लेकिन रात के वक्त एक दूसरे से मिल नहीं पाते क्योंकि एक दूसरे को देख नहीं पाते हैं। ये एक दूसरे से मिलने के लिए शोर मचा रहे हैं। जब इतनी बात मंत्री की सुनी तो पवन भूप अंजना के ख्यालों में खो जाता है। ये कहने लगा कि मंत्री, अरे मैं कितना बड़ा दुष्ट इंसान हूँ, कितना बड़ा अन्यायी हूँ, ये पक्षी भी एक रात की दूरी सहन नहीं कर सकते, फिर मेरी अंजना कैसे रहती होगी? 12 साल हो गए, शादी करके जिस दिन आई थी उसी दिन दुहाग देकर चला आया था, आज तक मैंने अंजना से मन तन की बात नहीं पूछी। मंत्री तूने मेरी आंखें खोल दी, एक काम कर, आज इस फौज को तुम डांटो, मैं अपनी अंजना के पास जाता हूँ, अपनी अंजना से मुलाकात करके आता हूँ। किस तरह से पवन भूप अपने मंत्री को क्या समझाते हैं सुनिए इस रागनी के बाद। हे रे एक रात के बिछड़न ते दो पंछी काल हो लिए, अंजना का देख मंत्री 12 साल हो लिए,
सखियों के मंत्री अंजना की सखियों के मंत्री कई कई लाल